गुड इवनिंग मनीष, वेलकम टू टैक्स 10। वी विल सी हियर 10 टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे बैक टू बैक। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्चेस जीएसटी कोर्स हरियाणा पोर्टल फॉर टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स। हरियाणा गवर्नमेंट ने 8 फरवरी को जीएसटी कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हरियाणा जीएसटी पोर्टल पे आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और ये एक डिपोजिटरी होगा जीएसटी एक्ट एंड रूल्स का, जो स्टेट जीएसटी एक्ट है और जो जीएसटी के रूल्स है वो ये जीएसटी कोर्स के अंदर अपडेट किए जाएंगे। ये अप टू 24/9/21 ये अपडेटेड है और क्वार्टरली ये पोर्टल अपडेट किए जाएंगे विद द जीएसटी एक्ट एंड रूल्स। ईवे बिल का डाउन टाइम रहेगा ऑन 12 फरवरी एंड 13 फरवरी को, ये इवनिंग में है 12 फरवरी को 8 to 10 एंड 13 फरवरी को 7 to 9 ईवे बिल का डाउन टाइम रहेगा। तो अगर आपको ईवे बिल जनरेट करना है ये टाइम में तो आप ये टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, मीन्स कि पहले आप शेड्यूल कर सकते हैं ईवे बिल फाइल करना। सीजीएसटी कमिश्नरेट नवी मुंबई हैज बस्टेड फेक आईटीसी रैकेट ऑफ 10.26 करोड़ एंड अरेस्टेड द प्रोप्राइटर ऑफ अल मारवा ट्रेडर्स। अल मारवा ट्रेडर्स के जो प्रोप्राइटर है उनको अरेस्ट किया है। उन्होंने 60 करोड़ के बोगस इन्वॉइसेस इशू किए थे जिसमें कि 10.26 करोड़ का फेक जीएसटी आईसी उन्होंने क्लेम किया था। ये 8 फरवरी को जो सीजीएसटी कमिश्नरेट नवी मुंबई है उन्होंने प्रोप्राइटर को अरेस्ट किया है। DGFT issued procedure for allocation of quota for import of calcined pet coke for aluminium industry. DGFT ने issue किया है procedure for allocation of quota allocation for import of calcined pet coke for aluminium industry and raw pet coke for the CPC manufacturing industry. जो raw material लगता है calcined pet coke in aluminium industry में and raw pet coke in CPC manufacturing industry में, उसके लिए DGFT ने प्रोसीजर इशू किया है फॉर एलोकेशन ऑफ कोटा फॉर दिस रॉ मटेरियल्स। ये आप नोटिस आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ऑन थर्सडे अर्ज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू विदड्रॉ द प्रपोज जीएसटी टैक्स ऑन टेक्सटाइल्स। जो टेक्सटाइल्स के ऊपर दो रेट लगते हैं जीएसटी के, बिलो 1000 अगर वैल्यू रहता है तो 5% एंड अबव 1000 रहता है तो 12% का जीएसटी रेट लगता है। अर्लियर जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने बोला था, ये प्रपोज किया था कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 ये यूनिफॉर्म रेट लगेगा टेक्सटाइल पे, और उन्होंने टेक्सटाइल के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट्स का भी रखा था लाइक फुटवेयर एंड ऑल, तो उसके ऊपर जो अलग अलग दो डिफरेंट रेट थे 5% एंड 12%, तो वो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि 1 जनवरी से फ्लैट यूनिफॉर्म रेट रखेंगे 12% ऑन ऑल द सप्लाईज। बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके इधर से बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गए थे गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से जो अप्लाई करना था वो उन्होंने होल्ड पे रख दिया, तो इसके लिए वो 1 जनवरी से जो यूनिफॉर्म रेट है वो एप्लीकेबल नहीं है। जो अर्लियर रेट लग रहे थे 5% एंड 12% का वो रेट ही लग रहे हैं। जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया है कि जो 12% का रेट है टेक्सटाइल के ऊपर वो रिमूव कर दे और 5% का जीएसटी रेट ही टेक्सटाइल पे रखे। DRI officials power to issue notice in tax evasion cases may be restored. Last year Supreme Court का ruling आया था इस केस में, वहाँ पे कि जो DRI के officials है Directorate of Revenue Intelligence उनको power नहीं है so-called notice issue करने के, तो उसके बाद जो भी DRI ने जो भी issue so-called notice issue किए थे tax evasion के केस में वो hold पे रह गए थे, और अभी जबकि उनके पास power नहीं था कुछ so-called notice issue करने का तो जो केसेस है वो हायर अथॉरिटी के पास हायर कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में जा रहे थे। तो फाइनली जो सीबीआईसी के चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था DRI ऑफिशियल्स के पास पावर नहीं रहेंगे नोटिस इशू करने के, वो लिमिटेशन अभी रिमूव करेंगे और जो भी DRI ऑफिशियल्स है उनके अगेन उनके पास पावर होगा कि वो नोटिस इशू कर सकते हैं टैक्स इवेजन के केस में और जो प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जो अभी है चेयरमैन उन्होंने कहा है कि 15 मेजर केसेस पेंडिंग है ड्यू टू दिस लिमिटेशन, कि सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन लगाया कि DRI नोटिस इशू नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से 15 मेजर केसेस है जो कि अभी पेंडिंग है। तो अभी जो फिर वापस से DRI ऑफिसर के पास पावर आएगी तो वो ये केसेस रिजोल्व कर सकते हैं, कि जो केसेस ऑलरेडी रिजोल्व हो चुके हैं वो केसेस के लिए ये जो DRI ऑफिशियल्स है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अगर कोई ऑनगोइंग प्रोसीडिंग है जिसमें उनको लग रहा है कि शॉर्ट पेड ड्यूटी है शॉर्ट पेड ऑफ ड्यूटी है तो वो केसेस में वो प्रोसीडिंग को बढ़ा सकते हैं। अराउंड 6.2 करोड़ ITRs एंड अबाउट 21 लाख मेजर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल्ड ऑन न्यू ई फाइलिंग पोर्टल टिल 10 फरवरी 2022 तक 6.2 करोड़ ITRs एंड 21 लाख मेजर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल किए जा चुके हैं, ये प्रेस रिलीज के थ्रू इनकम टैक्स ने बताया। LIC बोर्ड मीटिंग टुडे टू डिसाइड प्रपोज्ड IPO। आज LIC का बोर्ड मीटिंग था
टू डिसाइड ऑन द आईपीओ प्रपोजल्स। कंपनी है वो चाहती है कि ये साल ये फाइनेंशियल ईयर में आईपीओ लाए। अभी जो आईआरडी की तरफ से उनका जो अप्रूवल है वो जल्दी ही मिलने वाला है, और जैसे ही जो उनका रिटेलिंग प्रोस्पेक्टस है वो एक बार अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद क्या प्राइस रहेगी एलआईसी के शेयर्स के वो भी फिक्स हो जाएंगे। एलआईसी जो एलआईसी पॉलिसी होल्डर है उनके लिए अप टू 5% का डिस्काउंट ला सकती है, और जो 10% होएगा इशू साइज का 10% रिजर्व रखा जाएगा फॉर द पॉलिसी होल्डर। द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी हैज इशूड अ लिस्ट ऑफ जीएसटी अपडेटेड टिल 2nd Feb 2022 जनरेटिंग इनवॉइस रेफरेंस नंबर। जो आईआरएन नंबर जनरेट करते हैं कौन कौन से जीएसटीएन, उसके एक लिस्ट एनआईसी ने जनरेट किया है, आप एनआईसी की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। एमएक्स टकाटक टू मर्ज विद एमओजी टू क्रिएट द इंडियाज लार्जेस्ट शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। टिकटॉक के बाद 2020 में एमएक्स टकाटक लॉन्च हुआ था आफ्टर टिकटॉक बैन होने के बाद। तो अभी ये कंपनी जो एमओजी है, शेयर चैट की कंपनी है एमओजी, उसके साथ मर्ज हो रही है, जो कि दोनों मर्ज होने के बाद लार्जेस्ट शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बनेगी बिकॉज दोनों भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। अभी जो एमएक्स टकाटक का वैल्यूएशन हुआ है, कैश एंड स्टॉक डील्स विल वैल्यू एमएक्स टकाटक को वो $700 मिलियन का कैश और स्टॉक जो है एमएक्स टकाटक का उसका वैल्यूएशन किया गया। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।